हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टेक्स चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपना किसी भी सैमसंग एंड्रॉयड फ़ोन को MI 10X में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं यहाँ पर J2 यूज़ कर रहा हूँ। और अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है पूरा यहाँ पर MI 10X के जैसे यहाँ पर दिख रहा है। जो जो फीचर उसमें है वो सभी फीचर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर पिंच इन अगर जो करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरे जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है। और साथ ही साथ अगर जो मैं यहाँ पर पिंच आउट अगर जो यहाँ पर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो चुका है। और अगर जो मैं यहाँ पर ऊपर की और अगर जो यहाँ पर स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा जो फेसबुक लाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने एंड्रॉइड फोन को ये सारे लुक दे सकते हैं। और अगर जो हमें यहाँ पर और भी अपनी एप्लीकेशन को अगर जो एक्सेस करना है तो यहाँ पर ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ जिन एप्लीकेशंस को हमने अभी यूज किया है, जो रिसेंट के एप्लीकेशंस हैं, वो यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने एंड्रॉइड फोन को कोई भी सैमसंग यानी कि किसी भी एंड्रॉइड फोन को आप लोग MI का जो 10X है उसका फीचर दे सकते हैं। तो अगर जो आप लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक अपना ये कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टेक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि चैनल पर अपलोड की गई सभी वीडियोज का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने एंड्रॉइड फोन पर जो लॉन्चर है इसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद हम इसको डिफॉल्ट इसको सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सैमसंग यूज कर रहा हूँ। तो सैमसंग में अगर जो किसी भी लॉन्चर को अगर जो सेट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर एप्लीकेशन इस पर जाना होता है और उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट एप्लीकेशन में जाना होता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे जो जितने भी जो डिफॉल्ट एप्स होंगे वो यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जो MI X का जो लॉन्चर है उसको यहाँ पर डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, तो आप लोग भी इसको डिफॉल्ट सेट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर इसको डिफॉल्ट सेट कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एंड्रॉइड फोन सेम इस तरह से यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसके बाद रही बात इसकी सेटिंग्स की, तो इसकी सेटिंग के लिए यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक आइकन यहाँ पर आ जाता है, ऐप आइकन यहाँ पर आ जाता है जिसमें है होम सेटिंग। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस एप्लीकेशन की जो लॉन्चर है इसकी सभी सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ये थीम है, थीम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो आइकन पैक है उनको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग हिसाब से यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें पसंद आता है हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर पर जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे वॉलपेपर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी वॉलपेपर हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैटेगरी वाइज भी हमें यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो ये आप लोग अपने इनको डाउनलोड करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आइकन पर जाते हैं तो ये आइकन है जो इनको यहाँ पर साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर शेडो देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से यहाँ पर ड्रावर आइकन है, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्रिड साइज यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 4x4 इसी को रहने देने वाला हूँ। इसके बाद और भी यहाँ पर कई सारी सेटिंग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई सारी सेटिंग हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से हम पिंच करके अपने किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर किस तरह इस पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्वाइप अप में हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइट को यहाँ पर फेसबुक लाइट को यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसके बाद पिंच इन पर यहाँ पर मैंने यूट्यूब को सेट किया है, पिंच आउट पर यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज किया है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर किसी भी को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्वाइप अप टू फिंगर्स पर अगर जो मुझे कोई एप्लीकेशन सेट करनी तो यहाँ पर से मैं सेट कर लूँगा। यहाँ पर मैं ऐप्स पर जाऊँगा और जो भी मुझे यहाँ पर चाहिए उस एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर गैलरी देनी है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और भी कई सारे सेटिंग्स हैं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि आपके एंड्रॉइड फोन की जो डिस्प्ले पूरी दिखे तो आप लोग यहाँ पर इसको परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले से ही परमिशन दे चुका हूँ। अगर जो आप लोग यहाँ से अगर जो इस एप्लीकेशन को जो परमिशन दे देते हैं तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैं किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ और अगर जो मैं यहाँ पर स्वाइप करता हूँ तो मैं यहाँ पर बाहर आ जाऊँगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर जो यहाँ पर खींचता हूँ तो यहाँ पर मैं बाहर आ जाऊँगा। इसी तरह से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम ये सब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन किया हुआ है और अगर जो मुझे वापस अगर जो बैक आना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर मैं बाहर आ जाऊँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर बाहर भी आ सकता हूँ। तो ये सब सेटिंग भी आप लोग यहाँ पर जाने के बाद ये सब कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे और भी कई सारी सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में अगर जो आप लोग यहाँ पर पैटर्न सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारी सेटिंग है।
तो अगर जो आप लोग इस लॉन्चर को अगर जो यूज़ करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आप जो अपना जो पुराना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसको नया लुक दे सकते हैं, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा वो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। और यहीं पर अगर जो हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जो बूस्ट करना है तो यहाँ पर से हम इसको बूस्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि जो ये एप्लीकेशन है, ये जो लॉन्चर है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर जो आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टेक्स चैनल के साथ, और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड टेक्स चैनल। थैंक्स।